हेलो सुपरवुमन, विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। ये मैं सिर्फ अपने आप के लिए नहीं कह रही हूँ, हर औरत के लिए कह रही हूँ, बिकॉज एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन। हम जब हैप्पी वुमेन्स डे कहते हैं या दूसरी औरत को अपलिफ्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करने से पहले अपने आप को अपलिफ्ट करना कभी मत भूलिए, खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। ऑलवेज बिलीव दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट, बिकॉज अ वुमन इज ट्रूली अ सुपर वुमन। ऊपर वाले ने अगर एक औरत को ये ब्लेसिंग और ये नियामत दी है कि वो दुनिया में एक और जान को ला सके, तो इससे बड़ी सुपर पावर और कुछ नहीं है। सो जब ऊपर वाला हम पे इतना भरोसा करता है, तो हमें खुद पे भरोसा जरूर करना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज 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 लिफ्ट आवरसेल्व्स अप। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड कॉल योरसेल्फ अ सुपर वुमन। हैप्पी बर्थ डे टू माय सोल सिस्टर। थैंक यू। सो क्या बताऊं तो मैं सृष्टि के बारे में क्या बताऊं? ये मेरी सोल सिस्टर सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जेन्युइनली है। मैं इससे थोड़ी बड़ी हूँ, बट ये मुझे संभालती है, मेरी फालतू के थॉट्स को रोकती है, और जब भी मैं लो फील करती हूँ, आके मुझे इतना अच्छा हक करती है कि आई फील बेटर। थैंक्स फॉर बीइंग देयर एंड आई रियली रियली लव यू। आई लव यू टू एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। थैंक यू। एंड यू राइट, शी इज़ माई सोल सिस्टर एंड शी समरी इज सो पॉजिटिव, दिल की इतनी साफ, इतनी प्यारी है, और इसीलिए उसे संभाल के रखना पड़ता है। कुछ दही प्रश्न। आई लव यू। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। माय नेम इज फरमान खान, और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी वुमेन्स डे। आज का दिन आई एम श्योर कि आप सब अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जान पहचान वाले लोगों में से जिनको भी आप बहुत स्पेशल वुमेन मानते हैं, उन सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं, और वो भी खुश हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं आज सरप्राइज करने वाला हूँ मेरे सेट की एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन को, उस ऑल्सो वेरी प्योर फ्रेंड ऑफ माइंड विधि टंडन। तो ये इसके बारे में मैं इसके सामने जाके बोलूँगा, पहले तो इसको सरप्राइज करूँगा मैं ये देने के बाद। ये एक छोटा सा रोज है, हैप्पी वुमेन्स डे बोल के मैं उन्हें दूंगा। तो आइए मिलते हैं विधि टंडन से, जो शायद कहीं बैठ के काम कर रही हैं। Yeah, come in. Hi. How are you? I brought something for you. I think I just showed it to you also. Yeah, I did. But I'm supposed to be hiding it. Okay. Happy Women's Day. Thank you. और ये है हमारी, या मैं नहीं चाहूँ। Happy Women's Day to you. ये रोज है आपके लिए, ताकि आप और Women's Day celebrate करें। ये किसी और को मत देना, खुद अपने लिए रखना। कल लेके जाऊँगी। तो ये वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन के दिन मुझे कहा गया था कि एक कोई स्पेशल वुमेन हो अपनी सेट पे या कहीं पे भी जिसको आप सरप्राइज करना चाहते हैं। तो आई टोल्ड देम दैट यू आर दैट पर्सन, बिकॉज यू द वन हू ब्रॉट मी टू द शो, यू ट्रस्टेड मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बहुत मोटा था। सुना सिम बिल्ड मुझे बहुत हेल्प किया। तो तो उस टाइम पे मैं शायद अगर क्रिएटिव हेड होता तो मैं खुद अपने आप को कास्ट नहीं करता, लेकिन विधि ने मुझ पर भरोसा किया रखा, और आई थिंक आई एम बीइंग इट दैट। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और अभी इन लोगों को बताइए कि आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, बैठ सकते हैं आप, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि खड़े होकर बोलना है। जब ये सामने पहली बार आया आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि ये पहले ये मोटे थे। आई हैड गॉन अ हॉलिडे वेट, बियर्ड हॉलिडे वेट, लॉकडाउन वेट। सो या बट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, इसने अपने आप ही इंप्रूव किया, एंड डे वन से लेकर आज एक्चुअली जो वीर का कैरेक्टर है इतना ज्यादा जो लोगों को पसंद आता है, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हिज हार्ड वर्क।
सो यस एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड आल्सो इसको बस घर का खाना अच्छा खिलाते रहो कि तुम जो बोलोगे करता रहेगा सो दैट्स द बेस्ट घर का दलिया चाहिए मुझे इनके हां बस दलिया खिला दो ओबेसी मिले बाद ओबेसी मिले बाद सो या दिस इज व्हाट माय सरप्राइज वाज एंड आप सब भी एक काम कीजिए जो भी आपके फैमिली में जो भी आपके फ्रेंड्स में जो भी आपके सर्कल में आप जिसको आप बहुत पसंद करते हैं या जिसको आप बहुत स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में वुमेन को जाके एक सरप्राइज दीजिएगा उनको खुश कीजिएगा क्योंकि ये जो ऑल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन नहीं होना चाहिए वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए बट सिंस वी हैव अ डे दैट्स वुमेन स्पेशल डे तो उसको हम जिस तरीके से हो सके हमारी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स वाले वुमेन को खुश रखें और आगे भी ऐसा नहीं कि उस दिन आप खुश रखें बाकी उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते रहें वुमेन आर अ वेरी स्पेशल जेंडर एंड आई थिंक दे शुड बी ट्रीटेड दैट वे टू चीयर्स थैंक यू सो मच थैंक यू गलतियों को ऐसे माफ करते हैं क्योंकि शी फॉरगिव मी आल्सो एंड आई थिंक द वन बिगेस्ट थिंग दैट आई सी इन हर स्ट्रेंथ यू रेज समायरा ब्यूटिफुली यू डन सच अ वंडरफुल जॉब शी सच अ वंडरफुल वंडरफुल किड एंड यू डिड दैट ऑल बाय योरसेल्फ यू मैनेज दैट यू मैनेज वर्क You're so involved and enthusiastic here, and I know how involved, how enthusiastic, how loving you are as a mother. And abhi bhi, I feel like this. Maybe sometimes I kind of become a little laid back in my work, but even after all these years, you're still so involved. You're so enthusiastic. And I think that's one thing I want to learn from you, and which is why I look up to you and I love you so much. Thank you. So touched. I've been saying this over and over for years now that having to celebrate just one day for one particular gender of the society means that inequality still exists. And I hope that we reach a point where we no longer have Women's Day or just one day celebrating a gender. Like how we don't have Men's Day celebrating men, we don't need one day celebrating women. It should be World's Human Day. So yeah, that's wishful thinking and I hope that comes true. What makes me empowered as a woman is my family, the balance that they have created in my life, the perseverance and the faith, the trust that they have in me, the emotional and the financial balance that they try and imbibe in me day in and day out. So my family is what makes me empowered. And third, a woman that I look up to, if I have to choose one celebrity, has to be Priyanka Chopra because she's really gone ahead and done wonders. But personally, for me, all the bhais who've worked for me through the years, this lockdown has made me realize that taking care of a house is not easy. And they do it day in and day out, not for just one house, but for so many more. So this is a big, big, big thank you to all the maids, all the domestic helpers that we have taking care of our house and of our families. God bless.